जांगीर जिले के शिवरी नारायण थाना क्षेत्र के खरौद गांव निवासी नाबालिग की हत्या का खुलासा हो गया है। उसका हत्यारा कोई और नहीं बल्कि एक रिटायर्ड SECM कर्मी निकला। जांजगीर चांपा जिले में नाबालिग लड़की के अंधे कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। इस मामले में रिटायर्ड SECM कर्मी को गिरफ्तार किया गया है। 14 जुलाई को खरौद स्थित जोरवा तालाब के किनारे झाड़ियों में नाबालिग लड़की का शव पाया गया। पुलिस की शंका तिवारी पारा वार्ड 1 रिटायर्ड SECM कर्मी परदेसी लाल पंकज पर गया। आरोपी ने पूछताछ में कबूल किया कि बिस्किट देने के बहाने बहला फुसला कर नाबालिग को पास के एक सूने मकान में ले गया गया और उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की। जब नाबालिग चिल्लाने लगी तब उसने मुंह व गला दबाकर हत्या कर दी और उसकी लाश को बोरे में भरकर जोरवा तालाब किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी पर पास्को एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल भेज दिया है। घटना 29 पिछले महीने 29 जून की है, जिसमें एक परिजन द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई थी। 30 तारीख को रिपोर्ट लिखाई गई थी बच्ची घूमने की और उस पर से तत्परतापूर्वक पुलिस ने जांच भी की थी और बाद में बच्ची का शव 13 दिन बाद बरामद हुआ था झाड़ियों से और पूरे प्रकरण की जांच के लिए एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें 2 राजपत्रित अधिकारी थे और करीब करीब 20 लोगों की टीम थी। साइबर एक्सपर्ट भी शामिल थे, उन्होंने लगातार मेहनत की। गाँव का ही एक व्यक्ति था जो डेरा बना के रहता था, पूर्व में वो SECL में भी काम करता था। उसके खिलाफ पहले भी 354 का अपराध बालको थाने में 2020 में दर्ज हुआ था। उसके द्वारा बच्ची को प्रलोभित करके घटना के पाया गया है और उस पर से अपराध में धाराएं जोड़ी गई है और घटना करने के उपरांत तो उसने बच्ची के शव को झाड़ियों में फेंका था, जिस पे बच्ची का कंकाल भी बरामद हुआ था और उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने अपने घटना को स्वीकार किया है और उसको रिमांड पर भेजा जा रहा है।